रियलमी का जो नार्जो 30 वो ख़रीदा, उसको भी बेच डाला क्योंकि उसमें भी गूगल डायलर था। उसके बाद फिर एक फ़ोन लिया रेडमी का, उसमें भी गूगल डायलर था। और उसके बाद ओप्पो का मोबाइल लिया, इतना महंगा किसी मोबाइल को लिया। ओप्पो खुद का कॉल रिकॉर्ड होता है कि किसी का दूसरा का रिकॉर्ड होता है, लेकिन दोनों साइड से रिकॉर्ड नहीं होता। और मतलब हमेशा मतलब काम ही नहीं करता, किसी भी ऐप काम नहीं करता, खास करके प्ले स्टोर का कोई भी ऐप काम नहीं करता। फ्रेंड, जो एक गूगल डायलर है, तो इसके लिए यूट्यूब पे जितना भी वीडियो है, मतलब गूगल डायलर से ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग होने से जो अनाउंसमेंट होता है, तो इसके इससे बचने के लिए मतलब दूसरा कोई थर्ड पार्टी ऐप या फिर कोई ट्रिक या फिर कोई टिप्स, ऐसा कुछ भी काम नहीं किया। मतलब यूट्यूब पे जितने भी वीडियो है सभी वीडियो मैं देख डाला। शायद आप लोगों भी किया हो, आप लोग बहुत सारे लोग शायद किया जरूर मेरा होगा। मोबाइल है ओप्पो का F19 Pro, तो इसमें तो काम नहीं किया और शायद आप लोगों को भी काम नहीं किया, इसलिए आप मैं भी इसके मेरे डिटेल ब्यूटिशियन हो। देखूंगा। इसलिए जब भी कोई कस्टमर फ़ोन करता है कि उनका एड्रेस पे आने के लिए, तो मैं कॉल रिकॉर्ड हो जाता है और सेव हो जाता है, तो मैं उन कस्टमर का जो लैंडमार्क है वहाँ पर जाके मैं फिर से सुन लेता हूँ और सुन के मैं उनका एड्रेस पे चला जाता हूँ। तो इसलिए मेरे जैसा बहुत सारा लोग होगा जिनका अपना अपना रीज़न होगा कॉल रिकॉर्डिंग करने का। तो ये कॉल रिकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट का जो रूल्स है, मतलब इलीगल होता है, ऐसा कोई बात नहीं है। हर कोई बंदा इलीगल के लिए कॉल रिकॉर्डिंग नहीं करता है ना, कुछ ज़रूरत भी होता है। तो कोई कंप्लेन किया, किसी कस्टमर केयर से बात किया, तो उस कॉल को रिकॉर्डिंग करना चाहिए। मतलब कॉल रिकॉर्डिंग बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है ना। तो मैं जो ऐप आपको देने वाला हूँ, ये कोई प्ले स्टोर का ऐप नहीं है, ये खुद ओप्पो का ही ऐप है। और ओप्पो मेरा जो मोबाइल है, ओप्पो का मोबाइल है, इसमें तो मैं ट्राई किया हूँ, हो गया। और आप लोग भी मोबाइल ट्राई है करना, आप तो देखना उसमें होता है कि नहीं होता। अगर होता है तो अच्छा बात है, नहीं होता तो कमेंट करके बता देना। और मैं चाहता हूँ कि मुझे जो हेल्प मिला है वो सभी लोग को हेल्प मिले, ताकि ये जो परेशानी होता है ना, कोई बहुत रूट परेशान जो होता है। करने की ज़रूरत नहीं है। एक ऐप है जो वेबसाइट पे है ओप्पो का साइट से, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग इसको इंस्टॉल करके देख लेना। तो चलिए देखते हैं कैसे काम करते हैं, स्टेप बाय स्टेप मैं करके दिखाता हूँ। हेलो फ्रेंड, तो आप लोग अभी देख सकते हो मेरा मोबाइल का स्क्रीन है सामने। अभी स्टेप बाय स्टेप मैं दिखाता हूँ कैसे करना है। पहले गूगल डायलर ऑन कर लेते और एक कस्टमर केयर का नंबर डायल करते हैं और आप लोगों को सुनाते हैं क्या बोलते हैं। नमस्कार जी, आपके स्वागत जनाई अब जब मैं रिकॉर्डिंग का बाविस्ट बटन जानते प्रेस होली करूंगा, एक्टिपोन तब छन्नी देखना क्या जानते बोलते हैं। इंग्लिश ईमानदारी से बोलता है दिस कॉल प्रोसीड। इज रिकॉर्डेड, और ये सामने वालों को भी पता चल जाता है। और अब जब स्टॉप करूंगा क्षमा करबेन, আমরা আপনার কাছ तब भी থেকে কোনো इसी अनाउंस होता है। প্রতিক্রিয়া পাইনি। অনুগ্রহ तो यही है प्रॉब्लम जो अनाउंसमेंट करता है, आप सभी लोग को पता है जो अनाउंसमेंट होता है इसलिए दिक्कत ही होता है। तो अब क्या करना है, एक लिंक है, लिंक पे क्लिक करना है और क्रोम ब्राउज़र को सिलेक्ट करना है। उसके बाद डाउनलोड का लिंक पे क्लिक करना है, फिर से क्रोम ब्राउज़र को सिलेक्ट करना है, और उसके बाद डाउनलोड एनीवे का सिलेक्ट करना है। और फिर डाउनलोड कर देना है। हमारे यहाँ पर नेट थोड़ा स्लो है इसलिए थोड़ा टाइम लग सकता है, आप लोग देखते रहिए, मैं वीडियो को कट नहीं करूँगा। तो आप लोग स्किप मत करना, देखते रहिए। हो गया,
डाउनलोड हो गया, आप लोग गैलरी में जाके ओपन कर सकते हैं। मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ और सीधा इंस्टॉल कर लेता हूँ। और इंस्टॉल हो जाने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर ऐप इंस्टॉल लिखा रहा है। दूसरा जो ऐप होता है प्ले स्टोर का, कोई भी ऐप होता है तो थर्ड पार्टी ऐप होता है, यूट्यूब पे जितने भी वीडियो है कोई भी ऐप इंस्टॉल नहीं होता। हमें यहाँ पर लिखा आता है ऐप नॉट इंस्टॉल, लेकिन इंस्टॉल हो गया। और इसको ओपन करेंगे और टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करेंगे और जो कॉन्टैक्ट का ये जो ग्रीन वाला है इसको एनेबल कर देंगे और इसको मिनिमाइज कर देंगे। और फिर जाएंगे सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद ऐप मैनेजमेंट पे जाएंगे। यहाँ पर जो डिफॉल्ट ऐप होता है फोन ऐप, इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये जो गूगल डायलर है सिलेक्ट रहता है डिफॉल्ट, इसको कॉन्टैक्ट जो है ग्रीन वाला इसको सिलेक्ट करना है। बस हो गया। अभी आप लोग देख सकते हो मेरे मोबाइल पे ये आ गया। अब इससे डायल करके आप लोग को दिखाते हैं। पहले एक कस्टमर केयर का नंबर डायल करते हैं। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ऑलरेडी ऑटो कॉल रिकॉर्ड चालू हो गया। अब आप दूसरे नंबर पे कॉल करके दिखाते हैं कि अनाउंसमेंट होता कि नहीं होता। मेरा ये नंबर है, यहाँ पर आ गया। अब मैं रिसीव करता हूँ। देखिए कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ। मैं नजदीकी हूँ इसलिए इको हो रहा है, और जब बंद करूँगा रिकॉर्डिंग तब भी कोई भी अनाउंसमेंट नहीं होता। तो यही है, बस आप लोग भी इसी तरह कर लीजिए, बिल्कुल आसान है। और इसको आप गूगल डायलर देख सकते हो ये डिजेबल हो गया, तो इसको ऐसे रहने दीजिए। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।